अभी जो मार्केट ओपन होने की कोशिश हो रही है वो अभी नेगेटिव ही है. अभी हमारी जैसे एसजीएस निफ्टी हमें बता रहा था कि एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, पर अभी लेट इट सेटल डाउन. अभी 3 मिनट है हमारे पास. देखो, मैंने जैसे पहले बोला था कि अभी हमारी जो मेरे सेंटिमेंट है मिक्स है, तो आज मैं लेवल्स टू लेवल्स प्ले करूंगी कि कैसे कौन से लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है. क्योंकि अभी पहले नेगेटिव, कल सेंटिमेंट नेगेटिव थे, आज उस न्यूज़ की वजह से मार्केट पॉजिटिव हो गई है, तो बहुत मिक्स सेंटिमेंट है. और ऊपर से आज एक्सपायरी भी है. सो वी विल सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग ऑन लेवल्स टू लेवल्स, एंड एज पर द लेवल्स हम अपना पोजिशन बनाएंगे और अपने सेंटिमेंट बताएंगे. तो फिर आई विल कीप गाइडिंग यू. ठीक है, सो लेट्स वर्क फॉर द प्री मार्केट रिपोर्ट. गाइस, अभी जो मेरे अभी मार्केट खुली है, अभी एक ऊपर लेवल है हमारा 15,463 पे. अभी इससे इसको अभी टच करके एक रिवर्सल ले सकती है निफ्टी, बट अभी हम देखेंगे कि कैसे उससे पुल बैक लेती है, रिवर्सल लेती है. बट जैसे मैंने बोला कि अभी मैं थोड़ा यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सुबह थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, इन दोनों जोन्स में घूम सकती है. सो एक रिवर्सल जैसे 15,463 से एक रिवर्सल लेके ये 407 टच करेगी, उससे बाद हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करती है. एनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैम? अभी नहीं, अभी आप वेट करो. देखो, वही एक्सपेक्टेड कि मैं जो बोल रही थी कि एक पुल बैक लेके नीचे तक आएगी 407 तक. सो ऐसे ही पुल बैक ले रही है. अब हमें 407 के पास अपना मार्केट का रिएक्शन देखना है कि 407 पे कैसे करती है. अगर यहाँ से एक पुल बैक लेती है तो ये ऊपर जा सकती है, और अगर ये जोन जो हमारी नीचे पूरी जोन है, अगर ये तोड़ जाती है और नीचे चली जाती है मार्केट, तो हमारे एक और हमें प्रेशर दिख सकता है मार्केट में. तो हमें इस जोन पे मार्केट का वेट करना पड़ेगा, हाउ द निफ्टी रिएक्ट ऑन दिस लेवल. सेम विद द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी ने भी अपना एक मतलब नीचे आने की कोशिश करी है, तो उसका भी नीचे एक लेवल है. तो मुझे अभी यही लग रहा है कि थोड़ी देर मार्केट इसी लेवल्स के बीच में ही मूव करेगी, और उसके बाद लेट्स सी मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है एक डायरेक्शनल मूव के लिए. वन मोर एडवाइस, अगर आप ऑप्शन राइटिंग भी करना चाहते हैं तो 9:30 के बाद पोजीशन बनाइए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ 9:15 से लेके 9:30 तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है, तो आपकी राइटिंग में भी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं. जो भी आप पोजीशन बनाएं, पहले मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद पोजीशन बनाओ. पहले 15 मिनट मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहती है. जैसे अभी एक मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही थी, मार्केट को एक पुल बैक मिल गया. अभी यहाँ पे अगर हम कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. तो इसलिए हमेशा पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल होने दो. एक सेफ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो पहले 15 मिनट मार्केट को रोको, मार्केट को सेटल होने दो, देन गो फॉर द ट्रेड. वन मोर थिंग, मार्केट ने एक बहुत अच्छी जगह से पुल बैक लिया है. अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 5 EMA से एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी है. तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि मार्केट को एक पुल बैक मिल रहा है, एक मार्केट को ऊपर जाने की एक डायरेक्शन मिल रही है. सो अब ऊपर की जो हमारी जोन है निफ्टी की, अगर मार्केट उस जोन के ऊपर चली जाती है तो यहाँ से एक अच्छा खासी रिकवरी मार्केट में आ सकती है. तो ये एक पुल बैक, एक इट इज़ गुड. और निफ्टी में भी अच्छा पुल बैक मिला, और बैंक निफ्टी ने भी 5 EMA से एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है. तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है. तो अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज, कैंडल इसके ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी ऊपर रिकवरी निफ्टी दिखा सकती है. वी विल वेट फॉर दिस जोन. अगर ये जोन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक कर जाती है तो मार्केट एक ऊपर की अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकती है, क्योंकि 5 EMA ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया है निफ्टी को और बैंक निफ्टी दोनों को. तो दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मार्केट. एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, अभी मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी जैसे अभी चल रहा है 32,996 पे, यहाँ से बैंक निफ्टी 33,050 तक जा सकते हैं. जहाँ तक मैं एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में एक 50 पॉइंट की एक मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ से मार्केट 32,050 तक जरूर जाएगा. 33,000, सॉरी. आपको मेरे सेंटीमेंट अब ये तो समझ आ रहे होंगे कि अभी शॉर्ट नहीं करना है हमें मार्केट में. अभी हमने कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखा रही है. सो अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी 33,50 तो टच करेगा. सो लेट्स वेट. और एक जोन है, दोनों अपने जोन में है, तो वी विल सी निफ्टी अपनी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है.
सो गाइस ये देखो, ये जो मेरे अकॉर्डिंग ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है, क्योंकि मार्केट में कल जिस हिसाब से मार्केट कल नीचे जा रही थी, तो काफी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, तो उस शॉर्ट पोजीशन को अब कवर हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट एक पॉजिटिविटी दिखाई है. सो लेट्स वेट एंड लेट्स सेटल डाउन इट, क्योंकि जितना जितनी फास्ट ये कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल का मतलब यही होता है कि एक ये शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि एकदम से मार्केट को खुलते जो एक पुल बैक मिला है वो एक शॉर्ट कवरिंग का ही सिग्नल होता है. क्या था उनका हो गया. देखो मैंने क्या बोला था कि मैं अभी बैंक निफ्टी को 33,050 एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अब ये 33,050 तोड़ गया, तो अब मैं 33,090 एक्सपेक्ट कर, उसमें 40 पॉइंट ऐड करते रहना. अब 90 के बाद 33,130, तो मैं अब ये मार्केट को एक अच्छी खासी ऊपर की साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ. ये 33,150 तक जा सकते हैं. तो अभी देखो 33,000 पहले हमने 40 एक्सपेक्ट किया था, अब हमने 33,090 एक्सपेक्ट किया था. अब आप इसमें 40 पॉइंट और ऐड कर लीजिए. अगर ये 33,130 तक जाएगा, तो ये अब मैंने जो एक्सपेक्ट कर दी थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, सारे लेवल्स टच, मतलब ये जोन टच करेगी, दैट इज हैपनिंग. मार्केट ऊपर जा रही है और हमारे जो लेवल्स मैं आपको दे रही हूँ, इट इज टचिंग दैट लेवल. अगर 33,130 ब्रेक हो गया, तो फिर आप 40 पॉइंट्स और ऐड करना, 33,170 आएगा मार्केट में. जैसे 9:30 से पहले मार्केट एक पुल बैक दिखा रही है, थोड़ा नीचे आ रही है, तो दैट इज अ गुड साइन. अब ये 9:30 की कैंडल अगर ये थोड़ा सा पुल बैक दिखा देती है, नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखा देती है, तो अब यहाँ से मार्केट एक और एक अच्छे खासी ऊपर की मूवमेंट दिखा सकती है आफ्टर 9:30. देखो अभी मैंने, अभी जब मार्केट ओपन हुई थी, मैंने क्या कहा था कि मैं मार्केट को लेके अभी मिक्स सेंटिमेंट में हूँ. मैं मार्केट को देखूंगी और अपने सेंटिमेंट बनाऊंगी. अभी मेरे कोई सेंटिमेंट नहीं है, बट जब मार्केट निफ्टी ने और बैंक निफ्टी दोनों ने 5 EMA से एक पुल बैक लिया, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट की में एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट की 5 EMA से एक पुल बैक मिल रहा है. तो एज एक्सपेक्टेड दोनों ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है. अब 9:30 से पहले ये एक पुल बैक दिखाने की कोशिश कर रही है. अब ये मेरे अकॉर्डिंग 9:30 की कैंडल एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है, हमें और एक अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट दिखा सकती है. तो अब 9:29 के बाद वेट करेंगे. मैं 9:30 की कैंडल ग्रीन एक्सपेक्ट कर रही हूँ ऊपर की मूवमेंट के लिए. अभी एज एक्सपेक्टेड मार्केट ऊपर जा रही है और अभी देखो 33,150 टच कर सकती है बैंक निफ्टी, और ऊपर वाला लेवल भी एक्सपेक्टेड है, ये वाला 33,198. और इसके बाद अगर यहाँ से भी एक अच्छा खासा पुल बैक मिल गया, तो 33,247 भी हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बैंक निफ्टी का ले ले मैं मैन्युअली? अभी अगर आप लेना चाहते हो पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हो फॉर द 33,192 के लिए. हाँ, तो मैंने बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बन सकती है 33,195 के लिए. वहां आप अपना 50% बुक करके आप ट्रेल कर सकते हैं ऊपर वाले लेवल के लिए. गाइस देखो होता क्या, जैसे आपने बोला कि मैं कब पोजीशन बनाती निफ्टी बैंक निफ्टी में, जब मुझे यहाँ से 5 EMA से पुल बैक मिला था और बैंक निफ्टी ने जब ये लेवल एक तोड़ने की कोशिश करी थी, ये वाला 15,471 पे, मैं रनिंग कैंडल में ही एक लॉन्ग पोजीशन बना लेती हूँ. अगर मुझे मार्केट का मोमेंटम और मेरे सेंटीमेंट सेम लग रहे होते हैं, और यहाँ पे मुझे एक मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मैंने आपको क्या बोला था कि 5 EMA से अगर मार्केट मूव कर रही है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है. तो मेरे मैं सेंटीमेंट भी सेम थे और मार्केट मेरे सेंटीमेंट की तरफ भी जा रहा था, तो यहाँ पे मैं एक रनिंग कैंडल में भी पोजीशन बनाती हूँ और प्रॉफिट बुक करती हूँ. मैं 15 मिनट का कैंडल का वेट तब करती हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट के सेंटीमेंट मेरे अगेंस्ट है या मार्केट इतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिखा रहा है. तो हु हैवर टेकन अ लॉन्ग पोजिशन इन बैंक निफ्टी कैन, एक मैंने अलर्ट सेट किया, जैसे अलर्ट सेट बजेगा यू कैन बुक 50% ऑफ योर प्रॉफिट. ठीक है, अगर जिसने भी मेरे साथ ये पोजीशन बनाई है, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि आप बना सकते हो, तो उसका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, तो आप 50% 193 बुक कर सकते हैं, उसके बाद 50% आप वेट कर सकते हैं. अभी में R4 टू R5 ट्रेड बन रहा है क्या? अभी नहीं, अभी जब इसका लेवल टच हो जाएगा, मैंने मार्क कर दिया है विच इज 531. जैसे 531 टच होगा निफ्टी में, हमारा ट्रेड एल्गो का एक्टिवेट हो जाएगा.
देखो सप्लाई एंड डिमांड जोन से एक बैंक निफ्टी में ट्रेड बन गया है, जिससे हमारा टारगेट है 191.3 और निफ्टी में भी एक बना था जिसका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। आज के देखो सेंटीमेंट हमारे जो पॉजिटिव हुए थे जब उसने 5 EMA से पुल बैक लिया था तो सेंटीमेंट वेंट पॉजिटिव, तो वो उसी को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब निफ्टी अपनी जोन पे अटक गया है तो निफ्टी अभी यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर सकता है इसको एक तो ब्रेक करने के लिए। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट जोन टच किया था, वैसे थोड़ा सा उसने पहले रिवर्सल दिया है, इसे हमारा 95 था, इसने ऑलमोस्ट 191 टच कर लिया था, तो लेट्स वेट कि हाउ रिएक्ट। मुझे अभी इट कैन गो एंड टच 195। सप्लाई एंड डिमांड जोन से निफ्टी में है वो उनका टारगेट अचीव हो चुका है, वो चाहे तो अभी ट्रेड भी कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। जो बैंक निफ्टी में सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड में है दे हैव टू वेट फॉर 95, जैसे 195 टच करे वो ट्रेल या बुक करना, दैट दे कैन डू इट। सो बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट अचीव हो गया है, एल्गो का लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो गया है और बैंक निफ्टी में हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रेल कर सकते हैं दूसरे टारगेट के लिए। सो हमारा एल्गो का ट्रेड एक चल रहा है और बैंक निफ्टी में सप्लाई एंड डिमांड जोन का ट्रेड निफ्टी में इसका क्लोज, बिकॉज निफ्टी में हमारा दोनों टारगेट अचीव हो गए, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो ट्रेड होता है पहला टारगेट होता है द लोअर जोन, दूसरा टारगेट होता है अपर जोन, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन से हमारे निफ्टी के दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया एंड वी हैव टू, इफ वी वांट वी कैन वेट फॉर द सेकंड टारगेट, और एल्गो का ट्रेड हमारा लॉन्ग का एक एक्टिवेटेड है। तो अगर आपको मार्केट का मोमेंटम समझ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो आप रनिंग कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं। जब अगर आपको कॉन्फिडेंट है, जैसे मुझे कॉन्फिडेंट हो जाए, जैसे जब मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी 32,900 समथिंग पे था, 998 पे, मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ से 33,040 टच करेगा, वो टूट गया तो 33,090 टच करेगा, तो आई वॉज गिविंग यू अ लेवल। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मुझे मार्केट का मोमेंटम समझ आ रहा होता है और मुझे पता लग रहा होता है कि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक दे रही, तो फिर मैं रनिंग एंडर में एंटर कर जाती हूँ। क्योंकि अगर फिर हम रनिंग एंडर में एंटर नहीं करेंगे तो मार्केट फिर जब तक हम वेट करेंगे मार्केट एक मोमेंट दिखा जाती है। तो अगर आपको अपने मोमेंटम पे कॉन्फिडेंट है, आपको लग रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइड जा रही है, तो आप रनिंग एंडर में भी एंटर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंट लाना जरूरी होगा, थोड़ा वेट करो, अभी इतनी जल्दी मत करो रनिंग कैंडल में एंटर करने के लिए, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रही हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं समझ जाती हूँ कि कब मार्केट में मुझे रनिंग कैंडल में एंटर करना है, कब मुझे वेट करना है 15 मिनट की कैंडल का। सो जस्ट वेट एंड अंडरस्टैंड द मार्केट और आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीज समझ जाओगे। देखो ये बुलिश मार्केट सुबह जब खुली थी तब बुलिश इतनी नहीं लग रही थी, बट जब जैसे इसने 5 EMA से पुल बैक लिया, जब मैंने क्या बोला, दोनों निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, दोनों ने 5 EMA को एक अच्छा खासा पुल बैक दिया, तो जब दोनों इंडाइसिस को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट मिलती है तो फिर मार्केट हमें जो मूवमेंट देती है वो बहुत फास्ट देती है। दोनों ने, निफ्टी ने भी 5 EMA से पुल बैक लिया, बैंक निफ्टी ने भी 5 EMA से पुल बैक लिया, तो दिस वॉज द रीजन मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिखाया। और मैंने आपको उस टाइम बोल भी दिया था कि बहुत अच्छा सिग्नल है, मेरा टारगेट अचीव हो गया है, अगर आपका प्रॉफिट अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो ट्रेल कर सकते हैं। फॉर मी दिस ट्रेड हैज फॉर मी द ट्रेड हैज क्लोज इन द प्रॉफिट बिकॉज द ट्रेड हैज अचीव द सेकंड टारगेट। ट्रेल भी करना चाहते हैं आप ट्रेल कर सकते हैं, मार्केट मुझे अभी नीचे आती दिखाई नहीं दे रही है, मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रही है, खुद भी देख सकते हैं कि 15 मिनट की कोई भी कैंडल अभी रेड नहीं बन रही और मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रही है, सो इट कैन गो। एल्गो का टारगेट टारगेट मैं अभी तो बोल रही हूँ, आप कह रहे हो कि मैम सप्लाई एंड डिमांड जोन आ गई है, हम एल्गो में क्यों ट्रेड करें, बट इसलिए मैं बोलती हूँ एल्गो को अपना काम करने दो, एल्गो के साथ पंगा मत लो। yeah. मैम एक चीज है, थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाले दिन एल्गो की एक्यूरेसी सुपर है, वेरी फ्यू स्टॉप लॉस ऑन थर्सडे। हाँ एक एक्सपायरी वाले दिन एल्गो बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन आ गई है, अगर आप मैनुअल निफ्टी में है तो आप ये देख लो कि कल यहाँ से निफ्टी ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया था, अब यहाँ से अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं बुक करना चाहते हैं यू कैन बुक। अगर ये लेवल तोड़ गया तो फिर निफ्टी एक गैप है कल का ये फिल कर सकती है, बट अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बट यहाँ से मुझे यही उम्मीद है कि निफ्टी ऊपर जाके ये गैप फिल करेगी। मैं अभी मार्केट को लेके बैरिश नहीं हूँ, मैं मार्केट को लेके अभी भी अच्छी खासी बुलिश हूँ, तो मार्केट ये ऊपर का गैप फिल कर सकती है।
निफ्टी में ऊपर का लेवल जो है 33,577 यहाँ तक के लिए आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। तो अभी देखो मार्केट एक आज स्ट्रॉन्ग इसने मूवमेंट दिखाया है अपसाइड, सो वी और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है, तो लेट्स वेट। मुझे अभी भी मार्केट बुलिश लग रही है। निफ्टी एक थोड़ा सा होल्ड ले रही है इस जोन पे, क्योंकि कल इससे अच्छा खासा पुल बैक मिला था, तो अभी थोड़ा सा हम निफ्टी में वेट करेंगे कि जोन को ब्रेकआउट देती है। बैंक निफ्टी अपनी जोन से ऊपर है, तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा रही है, बट निफ्टी अभी थोड़ा होल्ड लेने की कोशिश करिए, तो निफ्टी में अब वेट करेंगे इस जोन को ब्रेक करने के लिए, फिर हम आगे नई पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी में भी एल्गो होना है, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा R5 ब्रेकआउट का एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और उसका प्रॉफिट बुक हो गया। लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश करिए, अब ये ऊपर जाके ये गैप फिल करेगी, दिट इज 15,622। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी उस लेवल से ऊपर है, तो बैंक निफ्टी तो कैन गो एंड टच 33,500। देखो एल्गो हमें एक चीज सिखाती है कि पेशेंसली बैठो, वेट करो, ट्रेड करो। हमारी जो डिसिप्लिन है ना, जो हम एज अ ह्यूमन नहीं कर सकते, वो एल्गो करती है। नाउ निफ्टी सेम, निफ्टी अभी अपनी जोन पे है और बैंक निफ्टी आज अपनी जोन से ऊपर है, सो लेट्स वेट। सो गाइस आई विल एंड अप द सेशन हियर, आज मैं सेशन जल्दी एंड अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपने कुछ एक्सपायरी ट्रेड एडजस्ट करने हैं। एंड देखो दोनों का मैं आपको यही दे जा व्यू दूंगी कि बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला था कि 33,500 टच करेगा, इट्स गोइंग देयर, तो बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, निफ्टी भी ऊपर जाएगा और ये गैप फिल करेगा, तो दोनों में कोई भी आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। आप अपना जैसे बैंक निफ्टी में जिन्होंने सुबह से एक लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, दे कैन ट्रेल टिल 33,500 के लिए विद 5 EMA। और निफ्टी में इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है 15,574, आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर 15,622 के लिए। तो अभी मैं बुलिश हूँ, मार्केट में कोई शॉर्ट नहीं बनाना है, सिर्फ लॉन्ग को फॉलो करना है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और एक चीज का ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और एक रिवर्सल देके फिर दोबारा डबल टॉप बनाने की कोशिश करता है, तो वहां अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि डबल टॉप के बाद एक पुल डाउन आ सकता है, सो उसका एक ध्यान रखना, ठीक है। So guys, I'll end up the session and we'll see you tomorrow. और बाकी मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, आप अपनी क्वेरीज मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। Okay guys, thank you. Thank you. Bye.